करें फरीदाबाद के तिगांव की, तो यहाँ पे राजेश नागर ने देखिए भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल कर ली है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे तो कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, काफी ज्यादा जोश है कार्यकर्ताओं में लगातार। अभी देखिए किस तरह से ढोल और नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तिगांव विधानसभा के जनता आज राजेश नागर को सर माथे पे बिठाया है और भारी बहुमत से जीता है। 50,000 ऊपर लीड होंगे विधायक राजेश नागर का, और आगे चल के हमारे ढोल जब बज रहा था तो काफी ज्यादा ढुमके भी लगाए हैं आपने ढोल बजते हुए। अब खुशी इतना है तो क्या करें, नाचना पड़ता है। जली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे राजेश नागर भाई साहब कहते हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अभी बहुत बस कुछ ही देर का समय है, कुछ ही देर का वो वक्त है जब यहाँ से राजेश नागर निकलेंगे तो किस तरह से उनका स्वागत करेंगे आप लोग? देखो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं तो सबसे पहले इस एक उर्दू में एक शेर है कि आवाज़ें खलक नक्कार है खुदा, पब्लिक की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, और ये जो खड़े ने सारे राजेश नागर है, एक एक बच्चा। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में काफ़ी इंतजार रहता है, काफ़ी सालों की ये एक मेहनत होती है, और ये मेहनत जो है कार्यकर्ताओं की वो रंग लाई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये 5 साल की मेहनत है। और अब गया ढोल वाले यहीं पीछे हैं, बिल्कुल आपके कारण बंद कराए, नहीं तो अभी अभी चालू करा देते हैं। बिल्कुल मना रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। आज बहुत ही जश्न इतना है, मतलब शब्दों से तो बयां है नहीं, आप देखिएगा रिपब्लिक भारत के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रत्याशी तिगांव विधानसभा के जी अनामिका कैबिनेट मंत्री बने, जी अनामिका इनको ले लो, ये हमारे सुनो पिछली बार से दुगनी वोटर्स चुनाव जीते। ठीक है कोमल, आप लगातार लोगों के बीच में हैं, वो अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अनामिका पांडे के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। अनामिका आप लगातार वहां लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो सुबह तक ये ट्रेंड सेट कर दिया था कि आज से जलेबी दिवस की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर प्रियंका ये जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो बार बार कह रहे हैं कि एक एक बूंदी को जोड़कर, भैया जरा साइड होइएगा, मैं आप लोगों से ही बात करने के लिए आ रही हूँ, एक एक बूंदी को जोड़कर, क्योंकि लड्डू बनता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी एकजुट रहते हैं। आज जब सुबह रुझान आए थे तो कुछ क्या ऐसा लगा था कि नहीं अब तीसरी बार सरकार नहीं बनेगी, हैट्रिक नहीं होगी, लेकिन तस्वीर कुछ अलग? हमें पूरा विश्वास था हमारी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार दोबारा सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश में, हमें पूरा विश्वास था। ये विश्वास किसके भरोसे था, किस क्या था? हमारा भरोसा बिल्कुल भाजपा के कार्यकर्ता पे था, नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री पे था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उस पे था, और हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष ऊपर था कार्यकर्ता ना। ये भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री बदलने का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, तो फायदा हुआ मुख्यमंत्री बदलने का? देखिए पहले भी कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री था और बाद में भी कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बना, तो इसलिए फायदा नुकसान की बात नहीं थी, वो भी अच्छा काम कर रहे थे और नायब जी ने भी अच्छा काम किया। इस बार नायब सिंह सैनी जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे? जी बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे जी। कुछ मांगे, कुछ और नाम सामने आ रहे हैं, कह रहे नहीं इस बार इनको? सुबह उन्होंने क्लियर कर दिया था कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री हैं। सुबह आपने न्यूज अगर देखा हो तो सबसे पहले उनका वहां तक तो नतीजे आपके फेवर में थे ही नहीं ना? हाँ मैं बता दूं, बैलेट पेपर के नतीजों में भी एक न्यूज पेपर से न्यूज वालों ने पूछा था कि कौन रहेगा मुख्यमंत्री, रुक नहीं रही है आप लोग? सैनी जी रहेंगे सबसे पहले, हम पहले से निश्चित थे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूरे हरियाणा में जीतेगी। सुबह के जो रुझान, सुबह के मैडम जो सुबह के लोग 10 बजे तक साहिब है, अच्छा है, कोई ये नहीं बोल रहा कि हम तो चुनावों से पहले भी एकदम कंफर्म थे कि होने क्या वाला है। एक बार फिर से जरा रुक कर लेते हैं कोमल का। कोमल ये बहुत अहम फैक्टर है कि आखिर देखिए काम किया गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को बताने की कोशिश लगातार कांग्रेस करती रही, लेकिन कोई ऐसा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं रहा, ये बिल्कुल जनता ने क्लियर कर दिया जो फिलहाल इस वक्त रुझान नजर आते हैं। देखिए अगर शुरुआती रुझानों की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, और उसके बाद जिस तरह से तस्वीर बदली और फरीदाबाद की बात करें, तो देखिए फरीदाबाद में 6 विधानसभा और उन 6 विधानसभा की बात करें तो 1 विधानसभा को छोड़कर बाकी सारे 5 विधानसभा में बीजेपी काफी ज्यादा आगे चल रही है। कुछ जगहों के जो रिजल्ट सामने आ गए हैं, राजेश नगर की बात करें तो 50,000 सीटों से जो है 50,000 वोटों से वो जीत उन्होंने हासिल की है। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, राजेश नगर मेहनत थी लंबे समय से। अच्छा
कांग्रेस शुरुआती रुझानों में लग रहा था कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी, कांग्रेस भी काफी इस बार आश्वस्त भी नजर आ रही थी कि सरकार तो वही बना रहे हैं। हमें विश्वास था नहर पार भारी बहुमत से जिताने के लिए, दल बल से हम खड़े थे और यही हुआ, भारी बहुमत से 50-35 हजार वोटों से नहर पार लेके गए भाई राजेश नागर। हमने पहले भी बोला था कोमल, जो कार्यकर्ताओं का भरोसा था, कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें थी वो आगे बढ़ गई है। 2014 में 47 सीटें, 2019 में 40 सीटें और इसके बाद तो अब अपना रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुक करेंगे कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। लड्डू ये देखो, वो जलेबी बदल के और लड्डू का रूप धारण कर लिया। आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया था तो आज सफल हुए हैं। बड़ी जीत है ये, बड़ी जीत है ये। नाम क्या है आपका? देखिए, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा प्रदेश की जनता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के काम को देखते हुए 10 साल के जो कार्यकाल के अंदर जो हमारे विकास के जो काम हुए उन पर तीसरी बार मोहर लगाई है। मोहर तो लगा दी, लेकिन जरा ये इस बार जलेबी का जिक्र बहुत हो रहा था, लेकिन लड्डू निकल के सामने आ गए। देखिए, जलेबी की बात ऐसी है, जलेबी हलवाई बनाता है, लेकिन राहुल जी को ये पता नहीं था और वो फैक्ट्री में जलेबी बनवाने लग गए थे। तो जलेबी के हिसाब से ही बनती है, लड्डू भी हलवाई के हाथों से ही बनता है और जलेबी भी हाथ से बनती है। और जो ये चुनाव है, चुनाव भी कार्यकर्ताओं की मेहनत से लड़ा जाता है। लेकिन मिठाई तो इस बार बीजेपी को खाने को मिल गई है। सुबह तक तो नतीजे कुछ और दिख रहे थे, कुछ और रुझान दिख रहे थे, अब नतीजे बदल गए। देखिए, रुझान जरूर दिख रहे थे और आप लोग मीडिया के माध्यम से रुझान दिख रहे थे, लेकिन हमें तो देखिए रिजल्ट तो मीडिया से ही निकल कर आएंगे, कहां से देखेंगे बताइए। हमें पूरा विश्वास था, हम फील्ड के ऊपर थे और हमने एक एक चीज, मैं आपको अभी अंदर चलेंगे तो मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा कि कौन कौन सी सीट हमने टिक कर रखी थी और वही जीत करके आए हैं और वोटों के मार्जिन भी उसमें लिखे हैं, वो भी मैं आपको। हरियाणा में साइलेंट वोटर्स बहुत ज्यादा निकल कर सामने आए, मुझे लगता है महिलाओं में साइलेंट वोटर्स को लेकर ज्यादा बातें कही जाती। महिलाएं आगे आइए, जरा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए जल्दी से, क्योंकि ये जब लड्डू आए थे यहाँ पर बड़ी खुशी आप लोगों के चेहरे पर थी और ये मैम कह रही थी कि इस बार तो जलेबी है लड्डू में बदल गई है, कैसे भाई? मोदी जी का विश्वास, हमारी जनता का भरोसा मोदी जी पर, और जलेबी तो लड्डू में ही बदलनी थी और बीजेपी के लोगों को लड्डू ज्यादा पसंद है इसलिए ऐसा है जी। लड्डू एक एक बूंदी से बनता है और भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता को लड्डू की तरह रखती है, जोड़ के रखती है। जोड़ के रखा था उसी का, जिस जलेबी का बार बार जिक्र हो रहा है उसी जलेबी के जरिए जीत हासिल करने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, लेकिन यहाँ ये कहें कि उनके मुद्दे ही जलेबी बन गए और जनता ने कुछ और ही सोचा और जो हमें इस वक्त रुझानों में नजर आ रहा है। कोमल हमारे साथ है फरीदाबाद से। कोमल, ये बताइए वो कौन से फैक्टर है जो जनता मान रही है बीजेपी के लिए बड़े फैक्टर रहे जिसने ये तस्वीर पेश की? बिल्कुल, देखिए बात करें फरीदाबाद के तिगांव की तो यहाँ पे राजेश नागर ने देखिए भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल कर ली है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे दिखाएंगे तो कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, काफी ज्यादा जोश है कार्यकर्ताओं में लगातार। अभी देखिए किस तरह से ढोल और नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तिगांव विधानसभा के जनता आज राजेश नागर को सर माथे पे बिठाया है और भारी बहुमत से जीता है। 50 हजार ऊपर लीड हो गए विधायक राजेश नागर का और आगे चल के हमारे ढोल जब बज रहा था तो काफी ज्यादा ढुमके भी लगाए हैं आपने ढोल बजते हुए। अब खुशी इतना है तो क्या करें, नाचना पड़ता है। जली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे राजेश नागर भाई साहब कहते हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अभी बहुत बस कुछ ही देर का समय है, कुछ ही देर का वो वक्त है जब यहाँ से राजेश नागर निकलेंगे तो किस तरह से उनका स्वागत करेंगे आप लोग? देखो, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं तो सबसे पहले इस एक उर्दू में एक शेर है कि आवाज़ें खलक नक्कर है खुदा, पब्लिक की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है और ये जो खड़े ने सारे राजेश नागर हैं, एक एक बच्चा। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में काफ़ी इंतजार रहता है, काफ़ी सालों की ये एक मेहनत होती है और ये मेहनत जो है कार्यकर्ताओं की वो रंग लाई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये 5 साल की मेहनत है और अब ढोल वाले यहीं पीछे हैं। बिल्कुल, आपके कारण बंद करा है, नहीं तो अभी चालू करा देते हैं। बिल्कुल मना रहे हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज बहुत ही जश्न इतना है, मतलब शब्दों से तो बयां है नहीं, आप देखिएगा रिपब्लिक भारत के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रत्याशी तिगांव विधानसभा के जी अनामिका कैबिनेट मंत्री बने, इनको ले लो, ये हमारे
सुनो, पिछली बार से दुगनी वोटर्स चुनाव जीते। ठीक है कोमल, आप लगातार लोगों के बीच में हैं, वो अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अनामिका पांडे के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। अनामिका, आप लगातार वहां लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो सुबह तक ये ट्रेंड सेट कर दिया था कि आज से जलेबी दिवस की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर प्रियंका, ये जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो बार बार कह रहे हैं कि एक एक बूंदी को जोड़कर, भैया जरा साइड होइएगा, मैं आप लोगों से ही बात करने के लिए आ रही हूँ, एक एक बूंदी को जोड़कर, क्योंकि लड्डू बनता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी एकजुट रहते हैं। आज जब सुबह रुझान आए थे तो कुछ क्या ऐसा लगा था कि नहीं, अब तीसरी बार सरकार नहीं बनेगी, हैट्रिक नहीं होगी, लेकिन तस्वीर कुछ अलग? हमें पूरा विश्वास था हमारी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार दोबारा सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश में, हमें पूरा विश्वास था। ये विश्वास किसके भरोसे था, किस क्या था? हमारा भरोसा बिल्कुल बिल्कुल भाजपा के कार्यकर्ता पे था, नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री पे था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उस पे था, और हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष ऊपर था कार्यकर्ता ना। ये भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री बदलने का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, तो फायदा हुआ मुख्यमंत्री बदलने का? देखिए, पहले भी कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री था और बाद में भी कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बना, तो इसलिए फायदा नुकसान की बात नहीं थी, वो भी अच्छा काम कर रहे थे और नायब जी ने भी अच्छा काम किया। इस बार नायब सिंह सैनी जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे? जी बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे जी। कुछ मांगे, कुछ और नाम सामने आ रहे हैं, कह रहे नहीं इस बार इनको? सुबह उन्होंने क्लियर कर दिया था कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री हैं। सुबह आपने न्यूज अगर देखा हो तो सबसे पहले उनका, वहां तक तो नतीजे आपके फेवर में थे ही नहीं ना? हाँ मैं बता दूं, बैलेट पेपर के नतीजों में भी एक न्यूज पेपर से न्यूज वालों ने पूछा था कि कौन रहेगा मुख्यमंत्री, रुक नहीं रही है आप लोग? सैनी जी रहेंगे सबसे पहले, हम पहले से निश्चित थे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूरे हरियाणा में जीतेगी। सुबह के जो रुझान, सुबह के मैडम, जो सुबह के लोग अच्छा है, कोई ये नहीं बोल रहा कि हम तो चुनावों से पहले भी एकदम कंफर्म थे कि होने क्या वाला है। एक बार फिर से जरा रुक कर लेते हैं कोमल का। कोमल, ये बहुत अहम फैक्टर है कि आखिर देखिए काम किया गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को बताने की कोशिश लगातार कांग्रेस करती रही, लेकिन कोई ऐसा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं रहा, ये बिल्कुल जनता ने क्लियर कर दिया जो फिलहाल इस वक्त रुझान नजर आते हैं। देखिए, अगर शुरुआती रुझानों की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, और उसके बाद जिस तरह से तस्वीर बदली और फरीदाबाद की बात करें, तो देखिए फरीदाबाद में 6 विधानसभा आते हैं, और उन 6 विधानसभा की बात करें तो एक विधानसभा को छोड़कर बाकी सारे 5 विधानसभा में बीजेपी काफी ज्यादा आगे चल रही है। कुछ जगहों के जो रिजल्ट सामने आ गए हैं, राजेश नगर की बात करें तो 50,000 सीटों से जो है, 50,000 वोटों से वो जीत उन्होंने हासिल की है। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, कांग्रेस शुरुआती रुझानों में लग रहा था कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी, कांग्रेस भी काफी इस बार आश्वस्त भी नजर आ रही थी कि सरकार तो वही बना रहे हैं। हमें विश्वास था नहर पार भारी बहुमत से जिताने के लिए, दल बल से हम खड़े थे, और यही हुआ भारी बहुमत से 35,000 वोटों से नहर पार लेके गए भाई राजेश नागर। हमने पहले भी बोला था कोमल, जो कार्यकर्ताओं का भरोसा था, कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें थी वो आगे बढ़ गई है। 2014 में 47 सीटें, 2019 में 40 सीटें, और इसके बाद तो अब अपना रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुक करेंगे कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है हरियाणा।